हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। गाइस, आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और लाभदायक होने वाला है, क्योंकि मैं आपके लिए लाई हूँ 10 डेकोरेटिव आइटम्स जो ना कि सिर्फ आपके घर को सजाने वाला है, साथ में आपकी ज़िंदगी को भी सजाने वाला है। दोस्तों, इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में हर कोई पैसा, समृद्धि और सफलता प्राप्त करने के लिए दिन रात मेहनत करता है, लेकिन कई बार तमाम मेहनत और कोशिश के बाद भी हमें वो मनचाहा रिजल्ट नहीं मिल पाता है। इसका मतलब ये नहीं कि हम मेहनत नहीं कर रहे हैं, बल्कि हमें सफल होने के लिए मेहनत के साथ साथ और कई चीज़ों की भी ज़रूरत होती है, जैसे कि किस्मत, भाग्य, पॉजिटिविटी, लक, पीस, पेशेंस, जो हमें सफल बनाता है। तो चलिए देखते हैं ऐसे 10 डेकोरेटिव आइटम्स जो हमें और हमारे घर को पॉजिटिविटी, सुख, शांति और पैसों से भरने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले नंबर से। पहले नंबर पे हमने रखा है कामधेनु काउ विद काफ। दोस्तों, कामधेनु और उसके बच्चे के मूर्ति को पूजा करना बहुत ही शुभ माना जाता है। वास्तु के अनुसार इस मूर्ति को उत्तर पूर्व दिशा में रखने से घर के सदस्यों के बीच धन, स्वास्थ्य, शांति और खुशियाँ लाती है। इस मूर्ति को घर में रखने से हमें 3 प्रमुख देवियों लक्ष्मी, सरस्वती और दुर्गा जी की आशीर्वाद हमें मिलता है। कामधेनु सभी मनोकामनाएं पूरी कर सकती है और आपके घर में शांति और समृद्धि ला सकती है। तो चलिए देखते हैं दूसरे नंबर पे कौन सा है। दूसरे नंबर पे हमने रखा है हिमालया क्रिस्टल सॉल्ट लैम्प। ये सॉल्ट लैम्प हमारे घर और ऑफिस में हेल्दी और पॉजिटिव एटमॉस्फेयर का योगदान देता है। घर के हर कमरे में ये सॉल्ट लैम्प रखने से भारतीय वास्तुशास्त्र के अनुसार कई हेल्थ एंड एनवायरनमेंट लाभ हमें मिल सकता है। नमक के दीपक को शुद्धि और पॉजिटिव एनर्जी का प्रतीक माना जाता है। इसे रूम के उत्तर पूर्व और दक्षिण पश्चिम दिशाओं में रखने से हवा को शुद्ध और गंधहीन करता है, जिससे नींद अच्छी आती है। तीसरे नंबर पे हमने रखा है लाफिंग बुद्धा। घर में लाफिंग बुद्धा की मूर्ति को रखना बहुत ही शुभ माना जाता है, क्योंकि यह आपके जीवन से सभी दुखों को दूर कर सकता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार लाफिंग बुद्धा को अपने घर की पूर्व दिशा में रखने से आपके चेहरे में मुस्कान और आपकी जेब में पैसा लाता है। ड्रैगन कछुए पर लाफिंग बुद्धा शक्ति और ताकत का प्रतीक है। इसे घर लाने से हमारे इनकम और करियर बदलने में मदद मिल सकती है। चौथे नंबर पे हमने रखा है क्रिस्टल लोटस फ्लावर। कमल सुंदरता, आकर्षण, शांति और प्रेम का प्रतीक माना जाता है। इसे हमारे घर या कमरे में रखने से परिवार के बीच शांतिपूर्ण और प्रेमपूर्ण संबंध बनता है। ये लोटस ग्लास क्रिस्टल से बनाया होता है। इसे घर की खिड़की के पास रखने से पॉजिटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करता है। कमल धन और संपत्ति को भी रिप्रेजेंट करता है। इसे घर या ऑफिस में रखने से धन और संपत्ति प्राप्त होती है। पांचवें नंबर पे हमने रखा है विंड चाइम्स। विंड चाइम्स सौभाग्य, धन, पॉजिटिव एनर्जी को आकर्षित करने और नेगेटिव एनर्जी को दबाने में मदद करते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार अपने बच्चे और परिवार के भाग्य को बेहतर बनाने का सबसे अच्छा तरीका पश्चिम दिशा में विंड चाइम्स को लगाना है। ये हार्मफुल एनर्जी को हटाकर हमारे जीवन को खुशियों से भर देता है। सिक्स नंबर पे हमने रखा है 3-लेयर बैम्बू प्लांट। वास्तुशास्त्र के साथ साथ फेंग शुई के अनुसार बैम्बू प्लांट बहुत भाग्यशाली और शुभ माना जाता है। बैम्बू एनवायरनमेंट को स्वच्छ रखने में मदद करता है, क्योंकि ये एक प्राकृतिक वायु शोधक है। ये प्लांट घर में सौभाग्य लाने के लिए जाना जाता है। 3-लेयर के बैम्बू प्लांट 3 तरह का किस्मत लाता है, खुशी, लंबी उम्र और धन। चलिए देखते हैं अगला कौन सा है। सातवें नंबर पे हमने रखा है मेटल टर्टल। हमारे घरों को नेगेटिव एनर्जी से बचाने के लिए प्रवेश द्वार पर कछुए को रखा जा सकता है। धातु के कछुए को हमेशा उसके पैरों को पानी में डुबोकर रखना चाहिए। इससे घर में सुख समृद्धि आती है। कछुओं का जीवन लंबा होता है और इसके लिए ये लंबे जीवन को दर्शाता है। मेटल टर्टल हमारे आसपास की नेगेटिव एनर्जी को दूर करने में मदद करता है। आठवें नंबर पे हमने रखा है ड्रीम कैचर।
ड्रीम कैचर को प्यार और पॉजिटिविटी पैदा करने के इरादे से बनाया जाता है। इस आकर्षक दिखने वाले ड्रीम कैचर का उद्देश्य सोते हुए व्यक्ति को नकारात्मक सपनों से बचाना है। इसे हमेशा दक्षिण पश्चिम दिशा में रखना चाहिए। इससे न सिर्फ घर में पॉजिटिव एनर्जी आती है बल्कि बुरी सपनों से भी दूर करता है। ये हमारे घर के वास्तु को भी सुधारने में मदद करता है। 9वें नंबर पे हमने रखा है 7 रनिंग हॉर्सेस पेंटिंग। 7 दौड़ते घोड़ों की पेंटिंग को वास्तु के अनुसार रखने के लिए सबसे अच्छी दिशा दक्षिण दिशा होती है। इसके लिए हमें 7 दौड़ते घोड़ों की पेंटिंग को दक्षिण दिशा में दीवार पर लगाना चाहिए। जब भी हम अपने डेस्टिनेशन पहुंचने के लिए अच्छी गति से दौड़ते हुए 7 स्वस्थ और सुंदर घोड़ों की छवि देखते हैं, हमारे दिमाग में इसके अच्छे और पॉजिटिव असर पड़ता है। आखिरी और 10वें नंबर पे हमने रखा है हॉर्स शू या घोड़े की नाल। घोड़े की नाल को बहुत भाग्यशाली माना जाता है और इसे कई घरों में लटकाया जाता है। घर या ऑफिस के दरवाजे पर घोड़े की नाल टांगना सौभाग्य को आकर्षित करना और बुरी आत्माओं से जगह की रक्षा करने में मदद करता है। ये सबसे अच्छे और प्रभावी उपचारों में से एक है। घोड़े की नाल हमें शनि की बुरी नज़र से भी बचाता है। तो दोस्तों, ये थे हमारे 10 डेकोरेटिव आइटम्स जो हमारे घर और जीवन को सुख शांति और धन से भर सकता है। इसमें से आप कोई भी अपने घर ला सकते हो। अगर आप इसे खरीदना चाहते हो तो मैंने सारे प्रोडक्ट के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप मुझे कमेंट करके बताइए आपको कौन सा आइटम अच्छा लगा और आप कौन सा घर लाना चाहते हो। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अगर आपको इसी तरह की वीडियो पसंद है तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। बाय बाय।